डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में कुलपति व कुलसचिव का झगड़ा अब खुलकर सामने आ चुका है। मामला लगभग 2 महीने पुराना है, जब गेस्ट लेक्चरर की भर्ती को लेकर कुलपति ने फाइल कुलसचिव के पास भेजी, लेकिन कुलसचिव ने 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी फाइल पर साइन नहीं किए। आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति अशोक मित्तल व कुलसचिव AK सिंह का झगड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मामला गेस्ट लेक्चरर की भर्ती को लेकर शुरू हुआ था। कुलसचिव ने गेस्ट लेक्चरर की भर्ती की फाइल कुलसचिव AK सिंह के पास भेजी, लेकिन उन्होंने फाइल पर साइन नहीं किए। जब कुलपति ने जवाब तलब किया तो कुलसचिव खिंच गए। कुलसचिव AK सिंह ने कुलपति समेत सभी विभागाध्यक्षों के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें कुलसचिव के लिए सन की शब्द का इस्तेमाल किया। तो वहीं कुलपति अशोक मित्तल ने इसका संज्ञान लेते हुए कुलसचिव के अधिकारों को सीज कर दिया था। विश्वविद्यालय में मंगलवार को कार्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कार्य परिषद ने शासन को पत्र लिखा, जिसमें कुलसचिव की कार्यशैली से विश्वविद्यालय में हो रहे नुकसान के बारे में बताया गया। सभी कार्य परिषद के सदस्यों ने हस्ताक्षर करके यह पत्र शासन को भेजा है। वहीं कुलसचिव AK सिंह अभी अवकाश पर हैं, वे मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। कुलपति अशोक मित्तल ने कहा कि हमें डिस्कशन के लिए कई बार AK सिंह को बुलाया, मगर कुलसचिव नहीं आए, इसलिए कार्य परिषद ने बैठक कर इस मामले को गंभीरता से लिया है और शासन को उनकी कार्यशैली के बारे में अवगत कराया है। लेकिन एक बात साफ है कि कुलपति और कुलसचिव के झगड़ों से छात्रों को काफी नुकसान हो रहा है। कई ऐसे काम हैं जिन पर कुलसचिव के हस्ताक्षर बेहद जरूरी हैं, वे सभी काम रुके हुए हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट। सर क्या नाम है, क्या समस्या लेकर आए, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर देवी शरण शर्मा, रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। इससे पहले मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। मेडिकल कॉलेज की मेरी सर्विस रेगुलर है, कंटिन्यूस है और परमानेंट है। उसे काउंट करके मेरी पेंशन बननी है। कुलपति जी ने 6 महीने से मुझे गुमराह कर रखा है, 6 महीने से गुमराह कर रखा है मुझे। ये कहा जा रहा है कि आपका FC में करा देंगे, FC हो गई परसों, और एग्जिट काउंसिल में करा देंगे तो कल एग्जिट काउंसिल भी हो गई। मेरा कोई काम नहीं कराना चाहते हैं। ये अलीगढ़ से कोई आता है उसका यो काम होता है, गुप्ता कोई आता है उसका यो काम होता है। अलीगढ़ से आके 4-4 लोग यहाँ बैठ के चाय पीते हैं, मैं 10:30 से बैठा हुआ हूँ, पानी की मेरे को नहीं पूछा। BC सर के दफ्तर में गए आप अपने? BC के दफ्तर में गया, मैं घुस गया, मुझे बुलाया नहीं, 4 घंटे मैं स्वयं घुस गया। कब से लगे हुए हैं इस प्रक्रिया? मैं इससे 14 साल से लगा हुआ हूँ। 14 साल से ये खून पी गए, और वो जैसे वो थे पिछले वाले वैसे ये आ गए। अब क्या है, क्या लगा? अब कह रहे हैं हमारी जेब से क्या जा रहा है, तो जब आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है तो नियमानुसार काम करिए। जियो मेरे पास है, जियो मेरे पास है, सारे पेपर्स मेरे पास हैं, और इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं FC फाइनेंस कमेटी में करा दूंगा। ठीक है, अब झूठ बोलते हैं। अब नहीं कराया जा रहा है तो आगे क्या? नहीं मैं धरने में बैठूंगा यहाँ पे कल से। हाँ, धज्जियां पे फेरूंगा। जातिवाद फैला रखा है इस यूनिवर्सिटी में, बनियाबाद फैला रखा है, बनियाबाद। कोई अलीगढ़ से आता है उसको फौरन बुलाते हैं। मैं यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ, और ये भी टीचर है, ये कॉलेज टीचर है, मैं यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ, और ये 2 दिन बाद ये मेरे से पीछे होंगे। आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय और कुल सचिव का झगड़ा खुलकर सामने आ चुका है। 21 तारीख को कार्य परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और कुलपति साहब ने कुल सचिव के अधिकारों को सीज कर दिया था। आरोप लगाए गए थे कि कुल सचिव अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और उनका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कल बुधवार को कार्य परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिए गए थे कि कुल सचिव के जो कार्य हैं उसकी वजह से जो बाधा आ रही है विश्वविद्यालय में, उनको ठीक किया जाना है। इसके साथ ही ये झगड़ा खुलकर सामने तो आ ही रहा है, इसका खामियाजा विश्वविद्यालय प्रशासन में की जो कार्रवाई है उसको भुगतना पड़ रहा है। मैं अपने साथी रंजीत चौहान के साथ रेखांत शर्मा, दर्पण न्यूज़ आगरा।